हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वेल, लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि मैं भी एक फ़ीमेल हूँ तो मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, कहीं गंजे ना हो जाएं या ब्यूटी ख़त्म ना हो जाए, तो ऐसे तरह तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं। मेरा एक ही उनसे कहना है कि आपको चेक कराने की ज़रूरत है कि आपको कहीं PCOD तो नहीं है, क्योंकि इरेगुलर मेंसेस होने की वजह से भी हेयर फॉल फीमेल्स में मिलना बहुत कॉमन है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो वो 2-3 रीज़न की वजह से हो सकता है या तो कोई PCOD आपको चल रहा है, इरेगुलर पीरियड्स चल रहे हैं, पीरियड्स स्किप हो रहे हैं या जल्दी आ रहे हैं, मीन्स इरेगुलर है, टाइम पे नहीं आ रहे, प्रॉपर एक साइकिल पे नहीं आ रहे। दूसरा हो सकता है आपको सफ़ेद पानी बहुत आ रहा हो। सफ़ेद पानी जब आता है, एक तो पीरियड से जस्ट 2-3 दिन पहले आता है, वो नॉर्मल होता है, हर फीमेल में वो नॉर्मल होता है। एक ओव्यूलेशन के टाइम, मतलब जब आपका साइकिल का 15 दिन निकल गए हैं, ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडा आपका रिलीज हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तब भी आपको हल्का बहुत पानी देखने को मिल सकता है कि सफ़ेद पानी आ रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर सफ़ेद पानी आपको आ रहा है तो डेफिनेटली वो एबनॉर्मल है, और वो सबसे बड़ा मेजर रीज़न होता है आपके हेयर फॉल का। और थर्डली, हो सकता है आपको PCOD के साथ साथ कोई थायराइड डिसऑर्डर हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हार्मोनल आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो आपके बैलेंस नहीं है, आपका TSH बढ़ा हुआ है, या आपका हो सकता है जो विटामिन है, जैसे B12 है, B12 आपकी बॉडी में कम हो रहा है, विटामिन डी कम हो रहा है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं हेयर फॉल के। तो अभी सोल्यूशन क्या दिया जाए इसका, और आप कैसे हेयर फॉल को रोकोगे? सबसे पहले आपको कॉज को पहचानना ज़रूरी है, डायग्नोसिस करने ज़रूरी है कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हम सब अच्छा चल रहा है, बॉडी में कुछ फील नहीं हो रहा, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, फिर भी हेयर फॉल क्यों हो रहा है। देखो, अगर नॉर्मल हेयर फॉल है, इट्स लाइक वेदर चेंज में हो रहा है, जैसे अभी डैंड्रफ बनेगा इस सीज़न में, या आपका कभी भी मौसम बदल रहा है, हल्के बहुत बाल टूट रहे हैं, इट्स नॉर्मल। बट वो जब बंच में इकट्ठे होने लग जाएँ और वो आपको यहाँ पे पैचेस दिखने लग जाएँ, खाली खाली गंजापन दिखने लग जाए, और आपकी डेंसिटी या वॉल्यूम बालों की कम होने लग जाए, तो वो एबनॉर्मल हो जाता है और वो हेयर फॉल की तरफ हम कैटेगराइज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको डायग्नोसिस बनाने की जरूरत है कि कहीं PCOD तो नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड आप करा लीजिए, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर चल रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो आप एक डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड कराइए। USG आप लोअर एब्डोमिन करा के देखिए, उसमें आपको रूल आउट हो जाएगा कि PCOD है या नहीं। आप एक हार्मोनल ऐसे टेस्ट कराइए जिसमें प्रोलैक्टिन, FSH, LH या फिर थायरॉयड पता लगाते हैं कि ये बढ़ा हुआ तो नहीं है या कम तो नहीं है नॉर्मल लेवल से, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। आप अपने विटामिन डी, अपने B12 चेक कराइए, अगर ये भी डेफिशिएंट है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, और वॉच आउट करिए कि कहीं आपको सफ़ेद पानी अब नॉर्मली तो नहीं आ रहा। तो ये कुछ रीजंस जब आप ढूंढ पाएंगे तो आप अपने हेयर फॉल को भी ट्रीट कर पाएंगे। अदरवाइज जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक आप केराटिन करा लो, स्मूथनिंग करा लो, हेयर कलर करा लो, हेयर स्पा करा लो, बाल अच्छे हो जाएंगे, आप ये ओजोन ट्रीटमेंट ले लो, तरह तरह के सलॉन्स में आजकल बहुत आपको ट्रीटमेंट मिल जाते हैं हेयर फॉल रोकने के, तो वो सब यूज़लेस होते हैं, वो सब बिजनेस होता है। उससे आपके बालों को और केमिकल जाता है जिसकी वजह से आपके बाल और कमज़ोर होते हैं। तो अपने बालों को ऐसी कोई भी चीज़ से आप बचाएं, पहले एक रूट कॉज ढूंढिए कि किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, आप उनको ट्रीट करिए, आपका हेयर फॉल अपने आप रुक जाएगा। जैसे थायराइड है तो आप थायराइड को ठीक करिए, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। PCOD है तो आप PCOD को ठीक करिए, सफ़ेद पानी आ रहा है तो सफ़ेद पानी को रोकिए, आपका हेयर फॉल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। साथ ही साथ अपनी डाइट ऐसे रखें, प्रोटीन एनरिच डाइट रखें, जिसमें आपको प्रोटीन में, जैसे आप मच्छी खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, दालें खाइए, अच्छा खाना खाइए जो प्रोटीन एनरिच है, अपने आप आपके बालों का टेक्सचर बेटर होने लग जाएगा, और बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें आप शुरू करिए अगर आपको हेयर फॉल की समस्या लग रही है। तो सबसे पहले आप रूल आउट करिए कि रूट कॉज पे हम काम करेंगे कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। जब रूट कॉज मिल जाएगा तो अपने आप बीमारी जड़ से चली जाएगी। तो आप भी, अगर आपको ये समस्या बनी हुई है तो आप भी ढूंढने की कोशिश करिए। मीनवाइल आप सलॉन ट्रीटमेंट लेना बंद कर दीजिए, और साथ ही साथ अच्छा खाना शुरू कर दीजिए, जैसे मैंने बात की मच्छी, अंडा, दाल, ओट्स, प्रोटीन एनरिच खाना शुरू कर दीजिए, आपके बाल ऑटोमेटिकली अच्छे होने लग जाएंगे। और हमें बताइए कि क्या सच में आपके बाल इन चीज़ों से बेटर हो रहे हैं। और अगर आपको ये समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे आके मिल सकते हैं और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड स्टे ब्यूटिफुल।